Hi guys, welcome to my YouTube channel once again. So after lockdown, अपने बोले तो अपने चीते को लेके और एक local ride है, nothing more than that. So आज अपनी city पानीपत की गलियों में आपको घुमाते हैं. जय श्री राम. और ये अपना हिमालयन चीता निकल गए हैं जी इसके साथ. हो हो इतने दिनों बाद इस बाइक को निकाला है और मजा तो आ रहा है लेकिन जब इतने टाइम बाद निकालते हैं ना, लेकिन ये है कि इतनी साफ सुथरी बाइक उसके बाद कहीं भी राइड पे लेके जाओ तो धूल मिट्टी में बिल्कुल ऐसी हो जाती है झंड. सो गाइस, आज इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं विश्लेषण लोगों की ड्राइविंग सेंस का अपनी सिटी में, और लोगों के रिएक्शंस को देखेंगे कि कैसे लोगों के रिएक्शन होते हैं जब कोई यूट्यूबर या ब्लॉगर उनके बीच से गुजरता है. कोई इंडिकेटर नहीं देंगे भाई साहब, सीधा लेफ्ट साइड में मुड़ जाएंगे. आदत से मजबूर हैं क्या बात है. ये भाई साहब देखो, अब इनको रोड पे चलना है, कहीं मुड़ना नहीं है, कुछ नहीं करना है, बस मस्करी करनी है, स्लो चलना है. साला लोगों की ना. ये जी हमारे शहर पानीपत की अनाज मंडी, लेफ्ट साइड में चला जाता है यहाँ से रोड, यहीं पे अनाज मंडी है और यहीं पे सब्जी मंडी है. ट्रैफिक लाइट जल रही है, ग्रीन है, लेकिन लोग हैं वो ट्रैफिक लाइट को क्या जाने, वो तो क्रॉस करेंगे ना बाबा. चलो अपने को क्या है, ट्रैफिक पुलिस देखे. अरे ट्रक वाले बाबू छोड़ दे मेरे को जाने दे यार, ट्रैक्टर वाले बाबू मेरा गाना बजा दे. अरे हाय हाय हाय, आ बेटे मौज कर दी. वाला स्वाद दे रहा है कतई, जहाज बना रखा है. मर्सिडीज वाले बाबू मुझे साइड दे दे, मर्सिडीज वाले बाबू मुझे साइड दे दे. और ये है जी हरियाणा पुलिस की गाड़ी, जो चलते हैं बिल्कुल अपने ही माहौल में. इन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता के कोई पीछे है, कोई आगे है, क्या है. तो गाइस, आज बेसिकली मैं जा रहा हूं अभी रॉयल एनफील्ड के शोरूम में, और एक छोटा सा चेकअप, और हमारे मूंगा भाजी जो कि डीलर हैं यहां के, उनसे छोटी सी मुलाकात आपकी भी कराएंगे जब अंदर जाएंगे. ये देखो हेलमेट ही नहीं है भाई साहब का. हेलमेट तो जैसे पहनना गुनाह है यहाँ पे. हाँ 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 भाई साहब, बजाओ हॉर्न बजाओ. भाई साहब इंडिकेटर तो देते हो, फोन पे ही बात करते रहोगे गाड़ी में बैठ के हैं. सो पानीपत की भीड़ भाड़ वाली सड़कों पे, लो जी भाई साहब, आज मैं आप लोगों को लेके आ गया हूँ. अभी तक मैंने ऐसे व्लॉग शूट नहीं किए थे, लेकिन मुझे लगा कि यार व्लॉगर्स की लोकल लाइफ कैसे चलती है वो भी तो आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर कहीं जाते हैं तो क्या करते हैं. ओहो हो हो, कोई तो राज है हमें जाने दो, जाने दो रे बाबा जाने दो. लेफ्ट से ओवरटेक करना इज इंजीरियस टू हेल्थ, बट व्हेन यू डोंट गेट राइट देन लेफ्ट से ओवरटेक करना इज मजबूरी, क्योंकि आप रोड पे हर किसी को खड़े होके ड्राइविंग सेंस तो नहीं सिखा सकते ना. ये हिंदुस्तान है, सारे जहां से अच्छा
देखो भाई साहब फोन पे बात करते करते, अरे हाय क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। एक टशन और दिखाता हूँ मैं हरियाणा के लोगों में ना, और अक्सर ये सब देखते ही होंगे, नोटिस भी करते होंगे कि दोनों साइड के ना शीशे नहीं होते बाइकों में। वो बिना शीशे की बाइक है ना, और वो फिर मुंडी घुमा घुमा के पीछे देखेंगे, जैसे कि इस वाले बाइक के में शीशे नहीं हैं, ये जो सामने जा रहा है इसके में भी नहीं है। इनको दिखाते दिखाते कहीं मैं ही ना घुस जाऊँ। देखो मैं मतलब मोस्टली जितने यंगस्टर्स होंगे उन सब की बाइक में आप नोटिस करना, देखो जैसे वो जा रहा है ना उसकी में भी नहीं है, फिर ये जोमेटो वाला है शायद इसकी में भी नहीं है, और देखो कैसे लहरा लहरा के चल रहा है, लहरो बेटे क्या बात है। पीछे पलट के तो देखना ही नहीं है भाई साहब। वाह 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 वाह, मतलब सिटी में अगर आप निकल जाओ तो एक से एक जबरदस्त ड्राइवर मिलेंगे आपको। देखो देखो अब वो स्प्लेंडर वाला जा रहा है, इसके में भी शीशे नहीं है। तो क्वेश्चन इज कि जब शीशे नहीं होते तो ये साला पीछे देखते कैसे हैं, मतलब इनके क्या पीछे भी ये आँख लगी हुई है, हाँ? ये देखो भाई साहब को बहुत जल्दी, हाँ जी हाँ भाई साहब बिल्कुल जाओ आप, हम तो घर से फालतू हैं, हमें तो कहीं जाना ही नहीं है, हम तो घूमने के लिए निकले हैं, है ना, आप ही को जल्दी है। वाह बेटे वाह 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 वाह, तुम तो कतई हैवी ड्राइवर निकले हैं, लहरो लहरो हो रहे हो, अरे क्या बात है स्कूटी वाला, क्या बात है, अरे ये बात। और मेरे सामने बड़े ही पेशेंस से चलते हुए पल्सर पे सज्जन, बेचारी गर्मी में ऐसा लगता है जैसे पुलिस वाले तो है ही नहीं, कहीं दुबक के छुप के बैठ जाते होंगे, उनको भी गर्मी लगती है यार क्या करें। चलो इस भाई ने तो इंडिकेटर दिया, टेम्पो में तो क्या ही एक्सपेक्ट करें कि इंडिकेटर चलेगा, क्योंकि ये तो ऐसे मुड़ते हैं है ना, और फिर एक्सीडेंट हो जाता है तो गलती भी फिर दूसरे की निकालेंगे, तुम्हें चलानी नहीं आती। सो भाई लोग ये है पानीपत का बस स्टैंड आपकी राइट साइड में, वो रहा अंदर, लेकिन ये हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी अंकल जी आप जाइए प्लीज़, वो है राइट साइड में बस स्टैंड, और ये यहाँ से जो सीधा पास होने वाली बसेज होती हैं जो अंदर नहीं जाती वो यहाँ से सवारियों को बिठा लेती हैं, ये यहाँ के टुक टुक बोले तो थाईलैंड वाला स्टाइल, ये यहाँ के टुक टुक चल रहे हैं। ओहो देखो 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 अंकल जी देखो, एक तो आपने पीछे वाला शीशा वैसे ही नहीं लगा रखा है, ऊपर से इतना गलत काट रहे हो, आप जैसे लोगों की वजह से ही तो आधे लोग प्यारे हो जाते हैं भगवान को। ये देखो इन भाई साहब के में भी पीछे वाला शीशा नहीं, क्या होगा भाई इस देश का। ये देखो ये भी स्प्लेंडर वाले भाई साहब, इनके भी शीशे नहीं, ये देखो इन अंकल के भी नहीं। सो मतलब इतने सारे लोगों को देखने के, हाँ जी भाई साहब आ जाओ, हेलमेट आपने पहनना नहीं है, दे भाई कह रहे हो भाई, हम किसी की प्रमोशन नहीं कर रहे, प्लीज साइड। यहाँ है लाल बत्ती, और लाल बत्ती पे रुकना अच्छी बात है, कोई रुके तो ठीक, नहीं रुके तो कोई बात नहीं। और ये है जी हमारा मिनी सेक्रेटरिएट, यहाँ सारे का सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक हमारा डिपार्टमेंट सब यहीं बैठता है, अंदर से कोई सरकारी आदमी आ रहा है तो फटाफट एक्टिव हो गए, अदरवाइज बैठे रहते हैं आराम से। लग रहा है फिर से लाल हो गई, हाँ जी हो गई, चलो हम रुक जाते हैं, लाल हो गई हम तो रुके हैं भाई, कोई रुकेगा, हम रुके हैं, रुकना भी चाहिए। चलो मुझे देख के कम दो लोग और रुके, और वो देखो यहाँ से ये वाला टर्न अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी भाई साहब जाएंगे अपनी छाती, अरे दिल्ली वाले हैं ना भाई साहब, ये तो कहीं भी जा सकते हैं।
हाँ शीशे कहाँ है तेरे शीशे, इस भाई के भी नहीं है। मैं भी जाते ही उतार दूंगा शीशे, शीशों की जरूरत ही नहीं है, कंपनी को शीशे देने ही नहीं चाहिए क्योंकि नोबडी यूज इट। ये सारे रॉन्ग साइड वाले, अरे मेरे पानीपत पुलिस वालों, इन सब के चलान कर दो, बहुत समस्या आई है रॉन्ग साइड की, एक एक लाख रुपए के चलान होने चाहिए इनके। हाँ ये पीवीआर बेचारा आंखें तरस गई इसमें जाने को, पता नहीं लास्ट मूवी कब देखी थी इस पीवीआर में। ऐसा लग रहा है खाली खाली रॉयल एनफील्ड का शोरूम है। वेलकम टू मोंगो ऑटोमोबाइल्स। हा, अपने को क्या, अपने को क्या करने का, गाड़ी में घूर तो ऐसे रहा है जैसे यहीं से निकलेगा चचा चौधरी। नहीं नींद नहीं आए, चलो जी हरे राम रे। ये है जी हमारे वर्कशॉप के हालात। बढ़िया भाई बढ़िया। सो हेलो टू मोंगो भाई। अच्छा ब्लॉगिंग चल रही है भाई जी। हेलो जी, हेलो, स्वागत है, वेलकम टू मोंगो ऑटोमोबाइल्स।